दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि कलर्स टीवी का विवादित शो बिग बॉस का सीजन 15 जल्द ही अक्टूबर के महीने में प्रसारित होने वाला है, जिसके अंदर आपको फिर से बड़े और छोटे पर्दे के कई खूबसूरत और विवादित कलाकार एक साथ बिग बॉस के घर में बहसबाजी और मनोरंजन का तड़का लगाते हुए दिखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिग बॉस के घर में ना जाने ऐसे ही कितने ही कलाकार या फिल्मी सितारे हर सीजन में आते हैं और दर्शकों को एंटरटेन करके चले जाते हैं, जिन्हें दर्शक खूब पसंद भी करते हैं। पर आज वही सितारे वही गुमनाम वाली जिंदगी जीकर छोटे पर्दे से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बिग बॉस के घर में नजर आ चुके उन सितारों से रूबरू करवाने वाले हैं जो आज पूरी तरह से गुमनाम हो चुके हैं। चलिए मिलते हैं उन्हीं गुमनाम सितारों से। नंबर वन, लोपा मुद्रा। अपने हुस्न के जलवे से सबको बेहोश करने वाली बिग बॉस 11 की प्रतिभागी अभिनेत्री लोपा मुद्रा आज ना जाने कहां गुम हो चुकी हैं, जहां ना तो ये अब सीरियल्स में नजर आती हैं और ना ही किसी मूवी में नजर आती हैं। नंबर टू, शिशांत। क्रिकेट टीम के जाबाज प्लेयर शिशांत भी बिग बॉस 12 का हिस्सा रहे थे, मगर आज ना तो ये छोटे पर्दे पर दिखाई देते हैं और ना ही किसी इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। हालांकि शिशांत भी आज पूरी तरह से कहीं गुम हो चुके हैं। नंबर थ्री, शिल्पा शिंदे। बिग बॉस 11 की विनर रह चुकी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने इस शो से और भाभी जी घर पर है से बहुत सारी लाइमलाइट लूटी थी, मगर विनर बनने के बाद ना तो ये किसी टीवी सीरियल्स में नजर आई और ना ही किसी फिल्म में। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि फेमस होने के बावजूद आज शिल्पा गुमराह होकर गुमनामी वाली जिंदगी जी रही है। नंबर फोर, सना खान। अभिनेत्री सना खान के बारे में तो आपको पता ही है कि ये मुफ्ती अनस से शादी करके धर्म की राह पर निकल चली है, जहाँ पर ये बिग बॉस के 9वें सीजन में खूब मस्ती मजाक और धमाकेदार डांस करते हुए लोगों को दिखी थी। मगर वो सना अब हमेशा हमेशा के लिए टीवी की दुनिया से दूर हो चुकी है। नंबर फाइव, प्रियंका जग्गा। बिग बॉस 10 की सबसे विवादित कंटेस्टेंट रही है प्रियंका जग्गा, जिन्होंने पूरे शो में ड्रामा पर ड्रामा किया था, यहाँ तक कि सलमान से भी इनकी बहसबाजी हो गई थी। मगर इतनी सारी ड्रामेबाजी करने के बाद अभी शांति की जिंदगी जीकर आज छोटे पर्दे पर गुम हो चुकी है। नंबर सिक्स, ढिंचाक पूजा। आपको उठपटांग गाने वाली ढिंचाक पूजा तो याद ही होगी, जिसमें बिग बॉस 11 में एंट्री मारकर लोगों को हंसा हंसा कर पागल कर दिया था, मगर ये अब यूट्यूब पर भी दिखने को नहीं मिलती, क्योंकि आज ये नेम फेम की दुनिया से दूर अपनी निजी जिंदगी में सुख चैन से जी रही है। नंबर सेवन, मनवीर गुर्जर। बिग बॉस 10 में एक नॉर्मल सिटीजन बनकर एंट्री पाने वाले कॉमन मैन मनवीर गुर्जर इस शो के प्रतियोगी ही नहीं बल्कि रियल वाले विजेता भी रहे थे, जिसकी वजह से देश विदेश में इनका खूब नाम भी हुआ था। मगर बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद ही पिछले 7-8 साल से टीवी इंडस्ट्री से बिल्कुल ही दूर होकर गुमनाम वाली जिंदगी जी रही है। नंबर एट, रूपल त्यागी। 6 साल पहले अभिनेत्री रूपल त्यागी भी बिग बॉस 8 का हिस्सा बनी थी, जहां पर इनकी परफॉर्मेंस को दर्शक अभी तक भुला नहीं पाए हैं। हालांकि शो में काफी पॉपुलैरिटी बटोरने के बाद ये ना जाने आज कहां छोटे पर्दे से गायब हो चुकी हैं, जहां पर अब ये बहुत ही कम किसी को दिखाई देती है। नंबर नाइन, गौतम गुलाटी। अभिनेता गौतम गुलाटी न सिर्फ बिग बॉस सीजन 8 के कंटेस्टेंट रहे हैं बल्कि ये विनर भी थे। हालांकि इस शो से इतना ज्यादा नाम और पैसा कमाने के बाद अभी टीवी शोज में नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से छोटे पर्दे से गौतम पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। हालांकि ये थोड़े बहुत फिल्मों में काम करके कभी कभी लाइमलाइट में आ जाते हैं। नंबर 10, रतन राजपूत। बिग बॉस 7 का हिस्सा रही थी टीवी एक्ट्रेस रतन राजपूत, जिन्होंने सिर्फ 1 महीने ही बिग बॉस के घर में अपना कब्जा करके रखा था। इनकी गेम स्ट्रेटेजी काफी लूज थी, जिसकी वजह से 1 महीने के अंदर ही ये शो के बाहर निकल गई। हालांकि शो से निकलने के बाद से 2 या 3 टीवी सीरियल्स में दिखाई दी, मगर अब ये काफी लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री में दिखाई नहीं दे रही हैं, जहां ये पॉपुलर शो बिग बॉस की कंटेस्टेंट होकर भी आज गुमनाम वाली जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन सभी सितारों को फिर से किसी रियलिटी शो में वापसी करके लोगों को एंटरटेन करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और भी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।